है वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको दे रहा हूँ वो सेंटेंस जो आप दिन भर बोलते हो, सुबह से शाम बोलते हो, और एक सेंटेंस को कई बार बोलते हो, तो उसको आप अंग्रेजी में कितने घुमा कर बोल सकते हो, अपनी पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आज से अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करो, एक सेंटेंस को कई तरह से बोल करके मजा सकते हैं। पहला सेंटेंस, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, तो आपको अगर बोलना हो कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, तो आप सेंटेंस कैसे बोलेंगे, एक सेंटेंस को कितने तरीके से बोल पाएंगे आप। तो इस सेंटेंस को आप 3-4-5 तरह से बोल सकते हो कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, आई विल टेल यू अबाउट इट, आई विल टेल यू अबाउट इट। तो आप दूसरा बोल सकते हो, आई विल लेट यू नो अबाउट इट, आई विल लेट यू नो अबाउट इट, I will make you familiar to it। आप बोल सकते हैं कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, तो आप बोल सकते हैं I will make you familiar to it। दूसरा बोल सकते हैं I will bring it you, I will bring it into your kind notice, I will bring it into your kind notice। आप इसको और बोल सकते हैं I will inscribe you about it, I will inscribe you about it। तो आपने देखा कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, कितने तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, आप मुस्कुरा रहे हो। मेरा बोलना है कि आप मुस्कुरा रहे हो, इसको भाई हम कितने तरीके से बोलें। तो आप मुस्कुरा रहे हो को हम बोल सकते हैं यू आर स्माइलिंग, बहुत सिंपल है, यू आर स्माइलिंग। तो यू आर स्माइलिंग से काम चला सकते हैं। अगर मान लो यू आर स्माइलिंग से काम ही चलेगा, तो आप बोल सकते हो अ स्माइल इज प्लेइंग ऑन योर लिप्स, अ स्माइल इज Playing on your lips। तो आप देख रहे हो आप मुस्कुरा रहे हो, A smile is playing on your lips। अगला और बोल सकते हैं आप, You are with a smile, You are with a smile। और बोल सकते हैं Your lips are covered with a sweet smile, Your lips are covered with a sweet smile। आप एक सेंटेंस को कई तरह से बोल के पर्सनालिटी इंप्रूव कर रहे हो। अगला बोल सकते हो कि देयर इज अ स्माइल ऑन योर लिप्स, देयर इज अ स्माइल ऑन योर लिप्स। तो देयर इज अ स्माइल ऑन योर लिप्स, आप एक सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस है, यह बात मेरे बस से बाहर है। हम लोग दिन भर में बोल देते हैं, यार ये बस ये बात ना मेरे दिमाग से बाहर की बात है, ये बात ना मेरे दिमाग से बाहर की बात है। हम लोग बोलते रहते हैं कि यह बात मेरे बस के बाहर है, यह बात मेरे दिमाग से बाहर है, दिन भर बोलते हो। अंग्रेजी में बोलो ना, तो अंग्रेजी में कैसे बोलें सर, तो यह बात मेरे दिमाग से बाहर है, तो इट इज आउट ऑफ माई माइंड, इट्स आउट ऑफ माई माइंड। और क्या बोलें सर, इट्स आउट ऑफ माई रीच, यह मेरी पहुंच के बाहर है, यह मेरे दिमाग से बाहर है, इट्स आउट ऑफ माय रीच, इट्स आउट ऑफ माय रीच। और क्या बोल सकते हो, इट्स आउट ऑफ माय थॉट्स, इट इज आउट ऑफ माय थॉट्स, इट इज आउट ऑफ माय थिंकिंग, इट इज आउट ऑफ माय थिंकिंग। और देखिए कितना मजेदार एक है, आप बोल सकते हो माय माइंड इज नॉट वर्किंग अबाउट दिस मैटर, कितना बढ़िया लाइन है, देख रहे हो उसे, माई माइंड इज नॉट वर्किंग अबाउट दिस मैटर, यानी मेरा दिमाग न है इस पर, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा, यह बात मेरे दिमाग से बाहर है, माई माइंड इज नॉट वर्किंग अबाउट दिस मैटर, मेरा दिमाग इस पर काम नहीं कर रहा है। अगला सेंटेंस देखिए कितना बढ़िया है, ये आप पर निर्भर करता है, आपको बोलना है किसी को, किसी ने कुछ बोला तो आप क्या बोलते हो, भाई ये सब तो आप पर निर्भर करता है, ये बात तो आप पर निर्भर करता है। अब इसको तुम कितने तरीके से बोल सकते हो अंग्रेजी में, इस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग बोलेंगे ये आप पर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। क्या कहा हमने, जब बोलो तुम भी मेरे साथ बोलो, सिर्फ देखने से कॉपी कर लेके लिखो, मैं बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं, ये आप पर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और क्या बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। क्या कहा, कितना सुंदर लाइन है, इट्स अप टू यू, ये तुम पर निर्भर करता है। और क्या बोल सकते हैं, इट बैंक्स अपॉन यू, इट बैंक्स अपॉन यू। और क्या बोल सकते हैं, इट इज अंडर योर कैपेसिटी, इट इज अंडर योर कैपेसिटी। और क्या बोल सकते हैं,
इट इज अंडर योर विश, इट इज अंडर योर डिजायर। तो आप एक सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो ये आप पर निर्भर करता है, तो आप सुन लिया आप लोगों ने। अगली बात है मेरी बात सुनो। मैंने कहा मेरी बात सुनो, ये तो बहुत आसान है, लेकिन इस मेरी बात सुनो को आप एक तरह से बोलते हो। क्या बोलते हो? प्लीज लिसन टू मी, एक ही बात बोलते हो ना। जी सर, अब समझ में आया। तो एक सेंटेंस को कई तरह से, मेरी बात सुनो को पांच तरह से बोल सकते हो। मेरी बात सुनो, सुन रहे हो आप लोग? मेरी बात सुन रहे हो? तो मेरी बात सुनो पांच तरीके से बोल सकते हो। पहला जो आप जानते हो, क्या जानते हो? प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। अब देखिए जो आप नहीं जानते हैं उसको भी आप कह सकते हो। क्या नहीं जानते हो आप? प्लीज बी ऑल ईयर्स, प्लीज बी ऑल ईयर्स। देखा नया जी मेरा आपको। अगला और देखिए, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई से, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई से, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई से। एकदम याद कर लो, मेरे साथ राइम बनाकर बोलो बच्चे, तभी बेहतर होगा। अगला क्या बोल सकते हैं? प्लीज हार्क टू मी, प्लीज हार्क टू मी। और क्या बोलते हैं? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आप जाते होंगे रेलवे स्टेशन पर, तो वहां पे अनाउंस करता रहता होगा। क्या करता रहता है? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। वहां क्यों करता है? वहां अपनी बात सुनना चाहता है वो, तभी तो करता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इस तरह सब कसते हैं। अगला देखो सेंटेंस, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है अगर पूछना है तो आप क्या जानते हो इसके बारे में? जल्दी बताओ आप वो सर, व्हाट इज योर नेम? कितना सिंपल है, लेकिन इसी को अगर हम दूसरे अंदाज में बोलें तो बोलो पर्सनालिटी इंप्रूव होगा कि नहीं होगा? अगर इसी सेंटेंस को हम दूसरे अंदाज में बोलें तो पर्सनालिटी क्या हो जाएगा हम लोगों का? इंप्रूव हो जाएगा। आपका क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम, आप तो पता है। लेकिन मैं बोल सकता हूं मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम प्लीज, प्लीज भी लगा सकते हो आप। तो मे आई नो योर नेम, और क्या बोल सकते हैं? योर गुड नेम प्लीज, योर गुड नेम प्लीज। और क्या बोल सकते हैं? योर एप्लीकेशन प्लीज। और क्या बोल सकते हैं? कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज, कुड यू टेल मी योर, कुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज। तो कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज, वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज। तो आप इस तरह से आपका क्या नाम है कई तरीके से बोल सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कह नहीं सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम से लेकर के आपके बोल चाल आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव कर देगा। बच्चे पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि सर मुझे ऑनलाइन क्लास लेना है। तो ऑनलाइन क्लास लेना तो क्या करना है? आप www.dsl.com नीचे सब्सक्रिप्शन में चल रहा है, आप वहां देखो, डिस्क्रिप्शन में देख लो। ऑनलाइन क्लास के लिए बहुत आसान है, घर बैठ के पढ़ सकते हो। और ऐसी बता दूं, अब दिल्ली दूर नहीं, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में पढ़ाता हूं, अब दिल्ली दूर नहीं है, आ जाओ दिल्ली, जितना मर्जी कर उतना क्लास ले लो, फेस टू फेस पढ़ो। एक बार लाइफ में अंग्रेजी बढ़िया से पढ़े जाने की जरूरत है, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो एसएससी के लिए, चाहे यूपीएससी के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, बहुत जरूरी आपके लिए। अगला संदेश देखिए, मैं आपसे परिचित हूं, मैं आपसे परिचित हूं, इसको मैं अंग्रेजी में बोलना चाहता हूं। तो मैं आपसे परिचित हूं, एक सेंटेंस तो आता है भाई कि आई एम नोन टू यू, तो आई एम नोन टू यू तो आता है, लेकिन इसको पांच तरीके से बोलूंगा तब ना पर्सनालिटी बनेगा। तो आई एम नोन टू यू, बढ़िया से देख के सब याद कर लो। आई हैव योर डिटेल्स, आई हैव योर डिटेल्स। और क्या बोल सकते हैं? आई एम अक्वेंटेड विथ यू, कितना बढ़िया लाइन है, आई एम अक्वेंटेड विथ यू। और बहुत सिंपल बोल सकते हो आई नो यू, मैं आपसे परिचित हूं, आई नो यू। या सबसे बढ़िया लाइन, आई हैव अ गुड नॉलेज अबाउट यू, आई हैव अ गुड नॉलेज अबाउट यू, आई हैव अ गुड नॉलेज अबाउट यू। इस तरह से आप बोल सकते हो। अगला सुनिए देखो, मेरे होठ फट गए, मेरे होठ फट गए। अब मेरे होठ फट गए भाई, गर्मी का मौसम है फट गए, जाड़े का मौसम है फट गए, आपको अंग्रेजी में बोलना है माई लिप्स आर चैप्ड, माई लिप्स आर चैप्ड, My lips are withered, my lips are withered, right? अगला देखो, क्या समय हुआ है, क्या समय हुआ है अंग्रेजी में बोलना है, तो आप सिंपल बोल दो टाइम प्लीज, सिंपल बोल दो टाइम प्लीज। अगर आप सिंपल नहीं बोलना चाहते
तो व्हाट डज द एनिमी से, यानी समय को दुश्मन बताया गया है, तो व्हाट डज द एनिमी से, दुश्मन क्या कहता है, तो समय क्या हुआ है, आप इसको कह सकते हो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। इस तरह से आप एक एक सेंटेंस को आप बोल सकते हो, बेहतर कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो और अच्छा आपका हो जाएगा। इस तरह से सारे सेंटेंस को हम लोगों ने एक एक करके देखे और एक एक करके काम किए, और आपको भी करना है ऐसे ही एक एक सेंटेंस बोलना है। मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोज बनाता हूँ ताकि आप उबो नहीं, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तब देखो मेरा वीडियो, लंच कर रहे हो तब देखो वीडियो, खाली टाइम को यूज करो, बाकी टाइम अपने प्रोडक्टिव काम में लगाओ, कहीं भी कोचिंग कर रहे हो क्लास को वहां करते रहो, बस मेरा धर्मेंद्र सर का वीडियो आप ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, डिनर के साथ, खेलते हुए, कूदते हुए, यानी कान में लगा के मस्ती करते हुए आप पढ़ते रहो, धर्मेंद्र सर आपके लिए हमेशा काम करेंगे।